हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर किया था। आज हम देखने वाले हैं हैगन पोइजर्स इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन फ्रिक्शन। ये इक्वेशन बताता है कि हेड लॉस इन फ्रिक्शन उसमें क्या इक्वेशन जो देता है हैगन पोइजर्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंसिडर किया है एक पाइप जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है फ्रॉम दिस साइड P1 और इस ओर से P2। इसका लेंथ है L, ठीक है, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका है, ये हमने डिराइव कर चुका है फ्रॉम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन जो मीन वेलोसिटी होता है वो हमने देखा था कि U बार इक्वल्स टू माइनस वन बाय 8 म्यू इंटू डोपी बाय डो एक्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक, ये हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टडी किया था कि U बार जो मीन वेलोसिटी होता है इक्वल्स टू होता है माइनस वन बाय एट म्यू इंटू डोपी बाय डो एक्स इंटू आर स्क्वायर, जहां पे डोपी बाय डो एक्स है वो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक है, जहां पे डोपी बाय डो एक्स हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, तो डोपी बाय डो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डोपी बाय डो एक्स इक्वल्स टू माइनस यू बार इंटू एट म्यू बाय आर स्क्वायर। इसलिए डोपी इक्वल्स टू माइनस यू बार इंटू एट म्यू, डो एक्स इधर आ जाएगा तो डो एक्स बाय आर स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम सेक्शन वन से सेक्शन टू के बीच। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेशन डोपी फ्रॉम वन से टू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस फ्रॉम टू टू वन यू बार इंटू एट म्यू डो एक्स बाय आर स्क्वायर। डोपी का इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम वन से टू पी वन माइनस पी टू इक्वल्स टू यू बार हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा माइनस यू बार एट म्यू बाय आर स्क्वायर। एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स फ्रॉम सेक्शन वन से टू, सेक्शन वन से टू यानी कि सेक्शन वन यानी जीरो, ठीक है, जीरो टू एल। अब आगे होगा हमारा पी वन माइनस पी टू इक्वल्स टू माइनस यू बार इंटू एट म्यू बाय आर स्क्वायर जीरो टू एल यानी कि माइनस एल। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पी वन माइनस पी टू इक्वल्स टू होगा देन पी वन माइनस पी टू इक्वल्स टू पी वन माइनस पी टू इक्वल्स टू म्यू बार सॉरी यू बार इंटू एट म्यू एल बाय आर स्क्वायर। इसे हम लोग कहते हैं प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा कहलाता है प्रेशर डिफरेंस इक्वेशन फ्रॉम हैगन पोइजर्स इक्वेशन से। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेशर डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि पी वन माइनस पी टू बाय रोजी, अगर इसको हम रोजी से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो पी वन माइनस पी टू बाय रोजी इक्वल्स टू पी वन माइनस पी टू बाय रोजी इक्वल्स टू क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं हेड लॉस। ठीक है, ये हमारा कहलाता है एच एफ हेड लॉस इक्वल्स टू यू बार इंटू एट
म्यू एल बाय आर स्क्वायर। तो एच एफ इक्वल्स टू हो जाएगा, एच एफ इक्वल्स टू यू बार इंटू एट म्यू एल बाय रो जी इंटू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं हेजन पोयस इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन फ्रिक्शन, हेगन पोयस इक्वेशन फॉर हेड लॉस, हेड लॉस इन फ्रिक्शन। अगर हम इसको डायमीटर के टर्म्स में लिखते हैं, ये हमारा रेडियस के टर्म में हो गया, तो अगर हम इसे हम डायमीटर के टर्म्स में लिखते हैं तो R इक्वल्स टू हो जाएगा R इक्वल्स टू डी बाई टू, यानी कि एच एफ इक्वल्स टू 32 म्यू वी एल बाय रो जी इंटू डी स्क्वायर, जहां पे हमारा v इक्वल्स टू है u बार, इसे हम लोग v इक्वल्स टू u बार भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेड लॉस इन फ्रिक्शन इन, ठीक है, फॉर हेजन पोयस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा हेजन पोयस इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।